यूक्रेन जंग को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक लवीव शहर में रूस ने 5 शक्तिशाली और घातक मिसाइल दागी है। वहीं खारकीव शहर में गोलाबारी में 5 लोगों के मारे जाने और 13 घायल होने की सूचना मिली है। दिल्ली के जहरी में सोमवार को एक बार फिर पथराव की घटना हुई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम वीडियो फुटेज के आधार पर सोनू चिकना की पत्नी को हिरासत में लेने के लिए जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक स्थित मकान में गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने घरों से पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। सोनू चिकना वही शख्स है जिसने 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन हिंसा के दौरान फायरिंग की थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी आशीष की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए आशीष को एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना। FIR पीड़ित परिवार के पक्ष और बाकी तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए आशीष की जमानत तत्काल रद्द की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। ED ने 62 साल के नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 2000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 2183 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1985 मरीज रिकवर हुए। इस दौरान 31 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50,38,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.45 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यह आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 17 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। दिनेश गुणवर्धने को गृह, दुर्गलस देवेंद्र को मत्स्य और नासिर अहमद को पर्यावरण विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में अधिकांश नए चेहरे हैं। वही प्रदर्शनकारी लगातार राजपक्षे परिवार के इस्तीफा की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। IPL के 15वें सीजन में कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। क्रिक बर्च की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली टीम के फिजियो के बाद एक खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद दिल्ली की टीम को पुणे में जाने से रोक दिया गया है। पूरी टीम को मुंबई में क्वारंटाइन किया गया है। उनका अगला मुकाबला 20 अप्रैल को पंजाब किंग्स के साथ पुणे में खेला जाना है। आज हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी आई। सोने का भाव बुलियन मार्केट में 53,500 रुपए के ऊपर चला गया। ज्वेलरी बाजार में 10 ग्राम सोने का रेट 370 रुपए चढ़ गया। कल सोने का भाव 52,622 रुपए पर बंद हुआ था। सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1,172.19 पॉइंट की गिरावट के साथ 57,166 पर, जबकि निफ्टी 302 अंक फिसलकर 17,173.65 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के बढ़त वाले स्टॉक में NTPC, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल है।